everyone, welcome back to my YouTube channel Literature Library. I am Akanksha and today I'll be teaching you Standing Up For Yourself, which is written by Yevgeny Yatsenko. Guys, please note the spelling. It's Yevgeny Yevgeny Yatsenko. Yevtushenko Yatsenko. उनका बर्थ हुआ था 1933 में एंड वो एक रशियन पोइट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट, स्क्रीन राइटर, एक्टर, एडिटर और डायरेक्टर भी थे। ये तो हो गया राइटर के बारे में, अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। दोस्तों पहले ये समझिए स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ का मतलब क्या है। गाइज इसका मतलब है अपने लिए खड़ा होना। इसका मतलब है अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और आप उसके अगेंस्ट में बोलते हो तो उसे बोलते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना। स्टोरी एक रशियन चाइल्ड के ऊपर है जो कि हमारे राइटर खुद हैं। तो 1941 की बात है, राइटर मॉस्को स्ट्रीट में एक एम्प्टी फ्लैट में रहते थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। राइटर वहां पे अकेले रहते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और अभी उनके फादर जो हैं कजाकिस्तान में अपनी न्यू वाइफ और दो चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। इन दोनों में अब ज़्यादा बातचीत नहीं होती है और उनके फादर कभी कभी उन्हें लेटर्स लिखा करते थे। उनकी मम्मी एक जियोलॉजिस्ट थे पर उन्होंने वो काम छोड़ दिया और अभी वो फ्रंट में रहती हैं और एक सिंगर हैं और ट्रूप्स के लिए गाना गाती हैं, मतलब सोल्जर्स के लिए गाना गाती हैं। अकेले रहने की वजह से राइटर अपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। स्ट्रीट ने राइटर को बहुत कुछ सिखाया है, कुछ लाइफ लेसन्स दिया है। उनमें से कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं। बुराई में उन्होंने सीखा है इधर उधर थूकना, स्मोकिंग करना और लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहना। पर स्ट्रीट ने उन्हें बहुत अच्छी आदतें भी सिखाई थी। वन ऑफ देम वॉज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन, मतलब कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर आपसे कोई स्ट्रांग इंसान आपको परेशान करता है, आपको उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। तो ये कुछ हैबिट्स थे जिनको उन्होंने स्ट्रीट से सीखा था। इतने सारे जानकारी के बावजूद भी उस स्ट्रीट का रूलर कोई और था। वो एक 16 साल का लड़का था और उसका नाम था रेड। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हट्टा कट्टा लड़का था और उसके शोल्डर्स काफ़ी ब्रॉड थे। रेड किसी से भी नहीं डरता है और रास्ते में मास्टरफुली चलता है, लाइक ही डजंट केयर फॉर एनीवन। वो रास्ते में ऐसे चलता है जैसे कि एक कैप्टन अपने शिप में चलता है। रेड हमेशा अपनी टोपी को उल्टा करके पहनता है, उसके आगे के कुछ बाल हमेशा उसके फेस पे गिरे रहते हैं और उनमें पसीना लगा होता है और जब धूप उस पर पड़ती है तो वो चमकता है। उसके फेस पे कुछ पुराने दाग थे और उसके आँखों का कलर था ग्रीन। ये सब था उसकी अपीयरेंस के बारे में। इफ़ यू गेट एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम अबाउट रेड्स अपीयरेंस, देन यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। उसकी आँखों में हमेशा सबके लिए गुस्सा भरा रहता था। उसके दो तीन सपोर्टर्स थे, उसे आप उनके फ्रेंड्स भी मान सकते हो, जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। रेड किसी को भी कभी भी रोक के एक वर्ड बोल सकता है जो कि है मनी, मतलब वो कभी भी किसी से पैसे मांग सकता था और अगर कोई भी पैसे देने से इनकार कर दे तो उसके फ्रेंड्स जो थे वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारते थे। बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स सब लोग रेड से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और राइटर खुद भी रेड से बहुत ज़्यादा डरते थे। वो सबको डराने के लिए अपने पॉकेट में एक हैवी नकल डस्टर कैरी करता था। ये लोहे से बना होता है जिसको आप फिंगर्स में पहन के अटैक और डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेड को लेकर राइटर के मन में जो डर था वो कहीं ना कहीं उसे निकालना चाहते थे और उस डर को निकालने के लिए उन्होंने रेड के खिलाफ एक पोएम लिखा। उसके अगले ही दिन ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और रेड के जो हेटर्स थे वो सब ये पोएम गाने लगे। एक दिन सुबह क्या होता है, जब राइटर स्कूल जा रहे होते हैं, रेड और उसके साथी उनके सामने आ जाते हैं। वो लोग पहले तो इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद रेड अपने नकल डस्टर निकाल के उनको मारता है। राइटर नीचे गिर जाते हैं एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, मतलब वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो काफ़ी दिन घर पे रह के रेस्ट करते हैं ठीक होने के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम ही वॉज रियली फीलिंग बैड फॉर हिमसेल्फ, उनको काफ़ी बुरा लग रहा था और खुद पे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उस दिन अपने डर के ही वजह से रेड से उनको मार खानी पड़ी थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेड से अपने इंसल्ट का बदला लेके रहेंगे।
उसके बाद वो अपना वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगते हैं। और हर एक सेशन के बाद वो फील कर पा रहे थे कि वो पहले से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना राशन कार्ड एक्सचेंज किया एक बुक के लिए, विच वॉज ऑन जूजित्सु। ये एक मार्शल आर्ट बुक है जिसमें जापनीज मेथड ऑफ रेसलिंग के बारे में बोला गया है। देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद द बुक, और उनके साथ दो और लड़के भी थे जिनके साथ वो प्रैक्टिस करते थे। देन फाइनली आफ्टर 3 weeks ही वेंट टू रेड। रेड लॉन में बैठ के अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा था और वो अपने गेम में इतना उलझा हुआ था कि राइटर के आने का उसको भनक भी नहीं लगा। डीप डाउन राइटर अभी भी डर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया और उसके तरह बनने लगे। वो उनके पास पहुंच के उनके कार जो वो लोग खेल रहे थे उसको एक किक से बिखर देते हैं। रेड सडनली ये सब देख के शॉक हो गया था। रेड अपने पॉकेट से नकल डस्टर निकाले उससे पहले राइटर उसे मार गिराते हैं। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइटिंग होती है और राइटर जीत जाते हैं, और उसके बाद से रेड उस स्ट्रीट का किंग नहीं रहता है। राइटर बोलते हैं हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, एंड फॉर एवरी स्ट्रांग मैन देर इज अ स्पेशल जूजित्सु। मतलब राइटर के हिसाब से हर एक इंसान के अंदर जूजित्सु होता है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि आप कैसे अपने डर को कम कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड टू लिटरेचर लाइब्रेरी। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।